हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने पिछले भी म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने दिए, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे, उस सब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नया एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के मदद से आप भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट से ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें रिस्क नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन सी एप्लीकेशन से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो, कैसे करना है, उसका ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बस जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते म्यूचुअल फंड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका ही कंप्लीट प्रोसेस। एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है इन्फिनिटी। आप इसका डाउनलोड लिंक भी देख सकते हो, 5000 के ऊपर इसका डाउनलोड है, 4.6 इसका रेटिंग है, रेटिंग भी अच्छा है। इसको आपको ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोन नंबर देके आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर 0% कमीशन, नो फीस, हिडन चार्जेस भी कोई नहीं है, फ्री है एकदम। और यहाँ पर फ़ोन नंबर में क्लिक करना होगा, उसके बाद एक फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करिए, यहाँ पर एक आपको मेल आईडी देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर देने के बाद आपका यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रेडी हो गया है। तो पैन नंबर देते ही आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका आधार लिंक भी यहाँ पर करना होगा, इसके लिए इसको कंटिन्यू आपको करना होगा। उसके बाद सेटअप नाउ में आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बैंक डिटेल्स देना है, इसके लिए कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका रेसिडेंशियल इंडियन करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको मेरिटल स्टेटस देना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करिए। यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन देना होगा, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, यहाँ पर दीजिए। उसके बाद इनकम रेंज आपको यहाँ पर देना होगा, आप कितना इनकम करते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करिए। यहाँ पर आपका नॉमिनी डिटेल्स अगर देना चाहते हो तो नॉमिनी डिटेल्स देना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करिए। अगर नॉमिनी डिटेल्स को बाद में फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर बॉक्स में टिक करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है, जैसा IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद किस टाइप का अकाउंट है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका डिटेल्स यहाँ पर आएगा, वेरीफाई बैंक अकाउंट में आपको क्लिक करना होगा, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक इज एडेड हो गया है, इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर देना होगा, ओपन कैनवास में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, तो इसके लिए कैंडिडेट को यहाँ पर डिस्प्ले में फिंगर्स की मदद से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद कॉन्फर्म करिए तो आपका डिटेल्स फिल हो जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना होगा। तो आपका यहाँ पर रेडी हो गया है इन्वेस्ट के लिए, इन्वेस्ट नाउ में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको आधार कार्ड जरूरत होगी, आधार कार्ड का नंबर डालिए, आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, तभी आपका जो KYC पूरी कंप्लीट यहाँ पर होगा। मेरा यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन में KYC कंप्लीट है, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं देना पड़ा, मुझे यहाँ पर होम पेज में मैं डायरेक्टली आ गया, मैंने पहले से एक एप्लीकेशन में किया। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी, यहाँ पर डेबिट, हाइब्रिड फंड, ठीक है, बहुत सारे फंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर इक्विटी में करोगे, इक्विटी में क्लिक करना होगा, यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, यहाँ पर स्मॉल कैप, ठीक है, इंडेक्स फंड, यहाँ पर बहुत सारे फंड है। जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा जो भी फंड इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC, ठीक है, तो LIC है, जो भी है इसके ऊपर क्लिक करना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर आप रेटिंग भी देख सकते हो, 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न में क्लिक करोगे आपको रिटर्न रेट भी मिल जाएगा, 1 मंथ में कितना देता है, 5 साल में कितना रिटर्न ये देता है, आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद फंड इन्फो में क्लिक करिए, फंड इन्फो, एक फंड कौन चलाता है, उसका क्या लोड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मंथली SIP कितना है, पोर्टफोलियो डिटेल्स में भी उसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरी तरीके से इसको देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करिए। और ये फंड किस किस इन्वेस्टमेंट में है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर से इन्वेस्टमेंट में क्लिक करना हो, यहाँ पर दोनों तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक मंथली SIP आप देना सकते हो, हर मंथ आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। और एक वन टाइम लमसम होता है, एक बार ही आपको देना होगा, उसके बाद एक कुछ साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कितना आप मैं SIP करना चाहता हूँ, कितना SIP करना चाहता हूँ, यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा, उसको कंटिन्यू में क्लिक करिए। और हर महीने कौन सी तारीख को आपको ये कटेगा आपके अकाउंट से, वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसको सेट कर दीजिए इसको। उसके बाद कॉन्फर्म डेट को क्लिक करिए, इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर से प्रोसीड में क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है, आप UPI से कर सकते हो या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पर यूजर आईडी, अगर नेट बैंकिंग है यूजर आईडी पासवर्ड देके कंटिन्यू करिए। मोबाइल में OTP जाएगा, OTP यहाँ पर देने के बाद सबमिट करिए, तो आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे और भी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हाई ग्रोथ फंड है, यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर भी ऑप्शन है, SIP और वन टाइम दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद कितना आप हर महीने का देना चाहते हो यहाँ पर देना होगा। देने के बाद आपको यहाँ पर एक रेशियो मिलता है, आप हाइब्रिड फंड अगर लेते हो, हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको हाई रिस्क यहाँ पर लेना होगा। अगर कम रिटर्न लेना चाहते हो, हाई रिटर्न के लिए आपको बॉन्ड में ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा इस कंपनी के द्वारा। और अगर लो रिटर्न लेना चाहते हो, यहाँ पर लो आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर मॉडरेट रिटर्न में आपको यहाँ पर जाएगा। इसके बाद शो माय बॉन्ड में क्लिक करना होगा। फंड में क्लिक करने के बाद आपका फंड का आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होगा आपको यहाँ पर वो भी दिखने को मिल जाएगा। कौन सी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कितना है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा फर्स्ट साल के लिए। फंड इन्फो भी यहाँ पर देख सकते हो, कौन ये फंड चलाती है। उसके बाद पोर्टफोलियो डिटेल्स में क्लिक करके आप पोर्टफोलियो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करिए। और नीचे यहाँ पर सिलेक्ट SIP डेट भी आप सिलेक्ट करना होगा, कौन सी डेट में कौन सी फंड का पैसा यहाँ पर कटेगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी डेट में आपका SIP का पैसा कटेगा आपके अकाउंट से वो भी आपको यहाँ पर दे देना होगा। तब ये ऐसा नहीं होगा, हर महीने उसी डेट को आपका पैसा अकाउंट से कटेगा। उसके बाद कॉन्फर्म डेट में क्लिक करिए, कॉन्फर्म डेट में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से पेमेंट ऑप्शन आएगा, UPI है, अदर्स या नेट बैंकिंग, तीनों ऑप्शन है, जिसमें से पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्लिक करके आपका डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, पेंडिंग परचेस आप देख सकते हो, एग्जिस्टिंग SIP। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एग्जिस्टिंग SIP में आपका डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। SIP यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। अगर इस SIP को बंद करना चाहते हो तो कैंसिल SIP में क्लिक करके इसको बंद कर सकते हो, या कोई भी महीने में आप इस SIP को देना नहीं चाहते हो, आपका दिक्कत आ रही है, तो आपको पॉज SIP में क्लिक करके उस मंथ का SIP आप पॉज कर सकते हो, उस मंथ में आपका SIP अकाउंट से नहीं कटेगा। और कैंसिल SIP में क्लिक करके इसको कैंसिल भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर करेंट वैल्यू दिख जाएगा, इन्वेस्ट कितने आपने किए और अर्निंग कितने किए वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन है, विड्रॉल में क्लिक करके आप आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत आसान और ईजी तरीके से। यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर ले सकते हो, आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको लर्न में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर में आपको मैसेज बॉक्स में क्लिक करिए, यहाँ पर सेटअप इजी SIP का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपका SIP भी यहाँ पर सेटअप आप कर सकते हो बहुत आसानी से, वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके लिए सिलेक्ट बैंक फॉर ई मैंडेट में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तभी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही आपको SIP में इन्वेस्ट करना है हर महीने, और आप अच्छा रिटर्न आपको लेना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।